पाठक पेश है आज की सुर्खियां। आरएसएस नेताओं को निशाना बनाने की साजिश में तीन गिरफ्तार डी कंपनी सह लिंक। वित्त मंत्री अरुण जेटली ही पेश करेंगे अंतरिम बजट। यूएस में चल रहा इलाज। मथुरा चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में शिवराज सरकार में हुई भर्तियां जांच के दायरे में। योगी सरकार का बड़ा दांव, यूपी में फिर माफ हो सकता है किसानों का कर्ज। केरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा अब तक सबरीमाला मंदिर में 51 महिलाएं प्रवेश कर चुकी। मणिकर्णिका की स्पेशल स्क्रीनिंग, राष्ट्रपति ने देखी फिल्म। डी मुकेश बने सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, ट्वीट कर पीएम मोदी ने दी बधाई। ट्रंप किम के बीच फिर शिखर सम्मेलन की तैयारी, किम के राइट हैंड पहुंचे यूएस। आप देख रहे हैं ये खबर, अब खबरें विस्तार से। ISISI और डी कंपनी की साजिश का पर्दाफाश रॉ और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मिलकर किया है। फोन कॉल इंटरसेप्ट करने के बाद जांच टीम गठित की गई है और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ही 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे, इस बात की पुष्टि वित्त मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने की है। बजट भाषण भी वित्त मंत्री जेटली पढ़ेंगे। भोपाल की माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में शिवराज सरकार के दौरान भी भर्तियां जांच के दायरे में आ गई हैं। कमलनाथ सरकार ने इसके लिए जांच समिति भी बना दी है। वहीं बीजेपी ने इसे बदले की भावना से उठाया गया कदम करार दिया है। किसानों की कर्ज माफी एक बार फिर से चर्चा में तब आई जब पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस ने इन तीनों राज्यों में चुनाव के दौरान किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। वादे के मुताबिक तीनों राज्यों की कांग्रेस सरकार ने सरकार बनाते ही पहले काम के रूप में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की। केरल सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले साल सितंबर में भगवान अयप्पा के सबरीमाला मंदिर में राजस्वला आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी शीर्ष अदालत द्वारा हटाने के बाद इस आयु वर्ग की 51 महिला श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए सबरीमाला मंदिर में प्रवेश किया है। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। 18 जनवरी को फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। किम का राइट हैंड माने जाने वाले किम योंग चोल गुरुवार को अमेरिका पहुंचे। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के सीज जनरल किम योंग चोल वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए www.ekhabar.in।